डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच वी यूज़ बोथ कंट्रोल ग्रुप्स एंड प्री टेस्ट द बेसिक डिज़ाइन दैट वी यूज वन वी हैव अ कंट्रोल ग्रुप एंड प्री टेस्ट सैम्पल इसमें हमारे पास एक तो इंटरवेंशन ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है तो इंटरवेंशन ग्रुप में भी हम प्री टेस्टिंग करते हैं और कंट्रोल ग्रुप में भी हम प्री टेस्टिंग करते हैं uh, तो कंट्रोल ग्रुप रखने का फ़ायदा ये होता है कि uh, इसमें हम फिर जो सिलेक्शन बायस आता है हमारे पास जब हम ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं इन बहुत ग्रुप्स उसको हम जज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द प्री टेस्टिंग और फिर उसका जो कंपैरिजन करते हैं हम एट द आफ्टर द इंटरवेंशन तो वो भी हम उसको जज कर सकते हैं कि क्या जब हमने ग्रुप सिलेक्शन की तो उसमें कोई सिलेक्शन बायस तो नहीं था इसी फ्रेमवर्क में जो दूसरा डिजाइन है उसमें जो है आपके पास दो आ, हो जाती हैं प्री टेस्ट की रीडिंग्स। तो द सेम प्री टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड एट टू डिफरेंट टाइम पॉइंट्स प्रेफरेबली विद द सेम टाइम डिले एज बिटवीन द सेकेंड प्री टेस्ट एंड द पोस्ट टेस्ट तो इसमें क्या है आपके पास एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा आपके पास कंट्रोल ग्रुप है और इसमें आप दो प्री टेस्ट ले रहे हैं और इन प्री टेस्ट का इंटरवल ऑफ टा द टाइम पीरियड उतना ही है जितना सेकेंड प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में है तो दो प्री टेस्ट हम इसमें क्यों लेते हैं आ, ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि कोई अगर ग्रुप डिफरेंसेस हैं तो उसको हम मैच आउट कर लें और देख लें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर बिहेव कर रहा है और क्या उसमें अगर कोई बिहेवियल चेंज आ रहा है तो क्या वो कंट्रोल ग्रुप में भी नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर हम इंटरवेंशन कंडक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम दोनों ग्रुप्स के लिए पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो इस तरह आ, हम इसमें ज़्यादा हमारे पास आ, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो हमारा बिहेवियरल चेंज है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं आ, अब ये जो तीसरा डिज़ाइन है इसमें हमारे पास स्विचिंग रेप्लिकेशन होती है ऑफ द ट्रीटमेंट हमारे पास दो प्री टेस्ट हैं और आ, एक पोस्ट टेस्ट है और दो ट्रीटमेंट हैं एट द डिफरेंट टाइम पीरियड तो पहले क्या होता है दोनों ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप जो एट द स्टार्ट हमने ज्यूम किए होते हैं उनका प्री टेस्टिंग कर लेते हैं फिर जो हमारा एक्चुअल कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देते और जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप होता है उसमें हम जो है अपनी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर हम जो है दूसरी प्री टेस्टिंग या पोस्ट टेस्टिंग हम इसको प्री टेस्टिंग भी कह सकते हैं और पोस्ट टेस्टिंग भी कह सकते हैं कर लेते हैं क्योंकि इसमें डबल ट्रीटमेंट है तो इस लेवल पे आकर जो पहले ट्रीटमेंट ग्रुप होता है वो कंट्रोल ग्रुप बन जाता है और जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो ट्रीटमेंट ग्रुप बन जाता है और फिर हम जो हमारा अब अजीम ट्रीटमेंट ग्रुप है उसमें अपना ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं इन बोथ ग्रुप्स तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो इंटरवेंशन है वो किस तरह बिहेव कर रही है इन बोथ ग्रुप्स तो आ, आ, ये डिज़ाइन एक कम्प्लिकेट डिज़ाइन है इसके लिए आपको जो सिलेक्शन है ऑब्वियसली आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है तो इसमें जो सिलेक्शन है वो नॉन रेंडम बेसिस पे ही होगी मगर इस तरह के ट्रीटमेंट जिसमें कि स्विचिंग एप्लीकेशन हो तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि सिलेक्शन बायस इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं और वो कम हो जाता है आ, अब इससे आगे वाला जो हमारे पास डिज़ाइन है उसमें हमारे पास प्री टेस्ट भी है पोस्ट टेस्ट भी है बाय यूजिंग रिवर्स ट्रीटमेंट यानी इसमें हमारे पास दो ग्रुप हैं दोनों ग्रुपों की हम पहले प्री टेस्ट टेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट को रिवर्स डायमेंशंस uh, में uh, देखते हैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो एक्स प्लस है इट्स रिप्रेजेंट्स अ ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन वन डायरेक्शन एंड एक्स नेगेटिव रिप्रेजेंट्स अ कंसेप्चुअली अपोजिट ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड टू रिवर्स द इफेक्ट तो हम देखते हैं कि एक जो है ट्रीटमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका क्या इम्पेक्ट आता है और उसी ट्रीटमेंट को अगर नेगेटिवली दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है और उसके बाद हमारे पास आ, दोनों ग्रुप्स की पोस्ट असेसमेंट आ जाती है तो इस पोस्ट असेसमेंट की बेसिस पे हम देख लेते हैं कि जो ट्रीटमेंट की डायमेंशनस थी पॉजिटिव और नेगेटिव उसका क्या इफेक्ट आया है